हाथरस के मामले में 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। एसपी को जिस तरह सस्पेंड किया गया है उसके खिलाफ अब आईपीएस एसोसिएशन में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। उनका ये कहना है कि जब सारे फैसले डीएम की ओर से किए गए, डीएम प्रवीण कुमार को लेकर यहां पर आईपीएस एसोसिएशन सवाल उठा रहा है कि जब सारे फैसले डीएम की ओर से किए गए तो सिर्फ एसपी के खिलाफ कार्रवाई क्यों की गई है। ये सब की बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आपको एक बार फिर से बताते चले कि दरअसल हाथरस के जो एसपी हैं विक्रांत वीर, उनको सस्पेंड किए जाने और डीएम प्रवीण कुमार पर कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण यूपी के नए आईपीएस अफसरों में बहुत नाराजगी। आपसे ग्रुप चैट में भी उन लोगों ने कल इस बात को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी और अब तो खुलकर ये पूछा जा रहा है कि आखिर जब सारे फैसले डीएम की ओर से किए गए तो डीएम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई और एसपी को सस्पेंड क्यों कर दिया गया। ये इस समय की नई जानकारी निकलकर सामने आ रही है। वैसे आपको बताते चले कि एसआईटी पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। एसआईटी का 4th दिन है, 7 दिनों के भीतर उसको अपनी रिपोर्ट तैयार करके देनी है। लेकिन यहाँ पर एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस कर्मियों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई थी उसको लेकर आईपीएस एसोसिएशन अब नाराज है। आईपीएस एसोसिएशन का ये कहना है कि दरअसल